पुलिस ने सराफा कारोबारियों की हुई 90 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कमल हांडा ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर सदर बाजार में सियाराम ज्वेलरी नाम से दुकान खोलकर 4 सराफा कारोबारियों से सोने चांदी के जेवर लिए और फरार हो गए थे। मामले में कोतवाली थाने में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच करते हुए एक आरोपी कमल हांडा को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य दो आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम जुटी हुई है। कुछ दिन पहले कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर में एक सियाराम ज्वेलर्स करके एक ज्वेलरी शॉप ओपन हुआ था, जिसमें तीन पार्टनर थे। उनके द्वारा तकरीबन 85 से 90 लाख की धोखाधड़ी स्थानीय व्यापारियों के साथ की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। जांच के परिक्रम में जो इसके एक आरोपी हैं कुणाल हांडा उर्फ कमल की गिरफ्तारी आज दिल्ली से हुई है। उनको आज जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजा गया है। इसमें अभी भी दो आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, जो घटना दिनांक से फरार है। उनकी लगातार पुलिस तलाश कर रही है और मिलने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। कोरबा से कर